Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today 16th of August 2020 और आज का जो डॉन एडिटोरियल है जैसे कि कल का था इट्स सेम लाइक द टाइज विद इसराइल के साथ जो टाइज बनने जा रही हैं इसके साथ साथ जैसे आपको पता है UAE जो है उसने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है और इसके बाद चांसेस किसके हैं जी नेक्स्ट कंट्री कौन होगा तो बहरीन के बारे में कहा जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है उसकी तरफ से अभी तक खामोशी है इसके ऊपर कि UAE ने से जो ज्वाइन किया है या सॉरी इसको एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर उन्होंने कोई भी कुछ भी नहीं कहा रियाद की तरफ से किसी किस्म का कुछ जवाब नहीं आया 2005 में एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कोशिश की थी लेकिन जब उन्होंने रिएक्शन देखा था पाकिस्तानियों का तो उन्होंने इसको जो है वो फ़ौरन क्विट कर दिया था अभी पाकिस्तान को ये देखना होगा कि नेक्स्ट अगर इसके सारे के सारे जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं या अरब फ्रेंड्स हैं अगर वो इस मूव में जा रहे हैं तो उनका क्या स्टेप होगा सो दैट इज़ द सीरियस क्वेश्चन सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल In the aftermath of the shock announcement of establishment of relations between Israel and the UAE, यानी ये जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं इस एक शॉकिंग अनाउंसमेंट जो की गई कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुए हैं इसराइल और UAE के दरमियान अब इसमें इसराइल और UAE जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा देर इज़ फीवरिश स्पेक्यूलेशन अबाउट विच अरब और मुस्लिम कंट्री विल बी नेक्स्ट टू फोर्ज टाइज विद ज़ायनिस्ट स्टेट यहाँ पे बड़ी फीवरिश का मतलब बड़ी एक्साइटेड किस्म का एक गेस वर्क है एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है अबाउट विच जिसके बारे में कि अरब या मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो नेक्स्ट होंगे जो ज़ायनिस्ट स्टेट के साथ अपनी जो टाइज़ हैं उनको मजबूत करेंगे अब यहाँ पे इज़ है विल बी है और फोर्ज है ये वर्ब्स हैं बियॉन्ड द रियलम ऑफ कंजक्चर ये जो वाक़या हुआ है इसके इंटरेस्ट से इसके बियॉन्ड नन अदर देन प्रेजिडेंट ऑफ द US हैज़ कन्फर्म दैट दिस प्रोसेस हैज़ बिगम किसी और ने नहीं बल्कि US प्रेजिडेंट ने ये बात कन्फर्म की है कि प्रोसेस शुरू हो चुका है अब यहाँ पे हैज़ कन्फर्म्ड और हैज़ बिगन ये दोनों जो हैं ये वर्ब्स हैं और ये प्रेजेंट परफेक्ट को शो करते हैं एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ वैन नॉट इफ़ और वो कहते हैं ये कब और अगर का अब मैटर नहीं है द यू एस बिलीव्स जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो यकीन रखता है दैट मोर अरब विल एंड मुस्लिम कंट्रीज़ विल फॉलो द UAE's लीड के और अरब और मुसलमान ममालिक जो हैं वो फॉलो करेंगे UAE की इस लीड को रीड्स अ वाइट हाउस स्टेटमेंट उसने एक वाइट हाउस की जो एक स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जो हमने पढ़ी है उसके मुताबिक अगर बात करें तो US जो है वो इस बात पे यकीन रखता है कि अब ज़्यादा अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं UAE की इस लीड को फॉलो करेंगे बिलीव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को ज़ाहिर करता है विल फॉलो फ्यूचर इंडेफिनिट को ज़ाहिर करता है रीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को ज़ाहिर करता है बहरीन इज़ बिलीव टू बी नेक्स्ट इन लाइन बहरीन जो है इस ये यकीन किया जा रहा है कि नेक्स्ट जो होगा उस लाइन में इसराइल को फॉलो करने वाला या इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला नेक्स्ट बहरीन है तो इसमें इज़ बिलीव्ड का मतलब क्या है ये प्रेजेंट जो है उसका पैसिव है वाइल जैरेड कुश्नर डोनाल्ड ट्रंप सन इन लॉ एंड हैज़ मिडल ईस्ट इमिजरी और उसके साथ साथ जैरेड कुश्नर जो है जो डोनाल्ड ट्रंप का सन इन लॉ है और मिडल ईस्ट का एम्बेसडर भी है टोल्ड अमेरिकन मीडिया उसने अमेरिकन मीडिया को बताया पास्ट इंडेफिनिट की बात है दैट के इट इज़ एन इनवाइटेबिलिटी दैट सऊदी अरेबिया एंड इसराइल विल हैव फुली नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस कि ये बात बड़ी वाजह है कि सऊदी अरेबिया जो है और इसराइल जो है उनके जो रिलेशनशिप हैं वो मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाएंगे नॉर्मल हो जाएंगे अब ये विल हैव फुली नॉर्मलाइज्ड विल हैव और नॉर्मलाइज्ड जो है ये बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हाउएवर रियाद इटसेल्फ हैज़ जबकि रियाद ने अपने आप में भी टिल नाउ अभी तक केप्ट साइलेंस खामोशी रखी है ऑन अबू धाबीज लेटेस्ट मूव अबू धाबी का ये जो लेटेस्ट स्टेप है इसके ऊपर अभी तक रियाद जो है वो भी खामोश है केप्ट सेकेंड फॉर्म हैज़ जो है बेसिकली ये वर्ब है फॉर पाकिस्तान द मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन रिमेन्स How to react to these fast-changing geopolitical realities, especially if most of our Arab brothers decide to cast their lot with Israel? पाकिस्तान के पास अभी भी मिलियन डॉलर का क्वेश्चन जो है वो बचता है कि वो कैसे रिएक्ट करे इस तरह के तेज़ी से जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ को बदलते हुए ख़ास तौर पर जब उसके अपने अरब भाई जो हैं उन्होंने डिसाइड कर लिए हैं कि वो इसराइल के लिए वोट कास्ट करेंगे या इसराइल के हक में जाएंगे रिमेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है टू रिएक्ट बेसिकली यहाँ पे जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है डिसाइड और कास्ट भी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं द फॉरन ऑफिस रिएक्शंस टू द UAE इसराइल डील हैज़ बिन डिस्क्राइब एज एम्बिगस ये जो फॉरन ऑफिस का रिएक्शन है UAE और इसराइल की जो डील हुई है जो बयान किया
जा चुका है, अभी तक वो अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, गैर वाजिया है. अब हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड, अब यहाँ पे हैज़ है, उसके बाद बिन है और फिर थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है. देयर इज़ टू बी एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जा रही है या की जा सकती है. फॉर द एमरेट्स हैं आर क्लोज पार्टनर्स ऑफ दिस कंट्री, कि इस कंट्री के क्लोज पार्टनर्स हैं पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, पोलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी. इज़ और एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्या है जी, वर्ब्स हैं. द एफ ओ हैज सेड, फॉरेन ऑफिस ने कहा है या कह चुका है, द डील विल हैव फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस, कि ये जो डील है ना इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत फॉर रीचिंग है. अब विल हैव है, ये भी फ्यूचर परफेक्ट को जाहिर करता है. दो इट रिएट्रिएटेड, ताहम इसने बार बार दोहराया है, दैट दिस कंट्रीज अप्रोच विल बी गाइडेड बाय हाउ द पैलेस्टीनियन राइट्स एंड एस्पायरेशंस आर अपहेल्ड. ताहम ये जो मुल्क है इसकी अप्रोच है वो उसको कैसे गाइड किया जाएगा कि पैलेस्टीनियंस राइट हैं और उनकी उम्मीदों को कहाँ पर रखा जाता है. रिएट्रिएटेड पास्ट इंडेफिनिट है, विल बी गाइडेड, अब ये जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है. आर अपहेल्ड जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है. ऑब्जर्वर्स वर क्विक टू पॉइंट आउट दैट द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट वाज वेग्यू. जो ऑब्जर्वर हैं, जो मुशाहिदीन हैं, वो उन्होंने बड़ी जल्दी से इस बात को पॉइंट आउट किया कि ये जो ज़ुबान है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये बड़ी अनक्लियर है, गैर वाजह है. एज़ पाकिस्तान हैड ऑलवेज डिमांडेड इसराइल विदड्रॉ टू प्री 1967 बॉर्डर्स, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा क्या किया है, डिमांड की है, कर चुका था कि इसराइल जो है ये प्री 1967 के बॉर्डर्स जो हैं उससे पीछे आ जाए, यानी उसको विदड्रॉ कर दे. अब यहाँ पे आप देखें, हैड के बाद डिमांडेड लिखा हुआ है, अब ये पास्ट परफेक्ट को जाहिर करता है. इसराइल विदड्रॉ निकालने की बात की जा रही है, ये भी यहाँ पे वर्ब है. एंड दैट अलकुद्स बी द पैलेस्टीनियन कैपिटल, के अलकुद्स जो है उसे पैलेस्टीन का कैपिटल होना चाहिए. अब यहाँ पे बी जो है ये वर्ब है. बियॉन्ड जनरलिटीज़, अगर जनरलिटीज से हट के बात करें, द टाइम इज़ नॉट फॉर, वक्त दूर नहीं है, व्हेन पाकिस्तान विल हैव टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन दिस इशू, जब पाकिस्तान को इसके ऊपर एक मजबूत स्टैंड लेना पड़ेगा या लेना होगा. विल हैव है और टेक है, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर को जाहिर कर रहे हैं. एंड इफ़ मोर गल्फ अरब्स डिसाइड टू रिकग्नाइज इसराइल, और अगर और ज़्यादा गल्फ अरब कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि वो रिकग्नाइज कर लेंगे, पहचान लेंगे इसराइल को, देयर विल बी ट्रीमेंडस प्रेशर ऑन दिस कंट्री फ्रॉम आवर फ्रेंड्स इन वॉशिंगटन एंड द गल्फ टू फॉलो सूट. तो हमारे ऊपर एक बहुत ज़ोर का प्रेशर होगा, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाएगा, हम इस मुल्क को और हमारे दोस्तों को जो वॉशिंगटन में हैं और जो गल्फ हैं, कि इस सूट को वो फॉलो करें. अब विल बी ये फ्यूचर के बारे में है. डिसाइड रिकग्नाइज फर्स्ट फॉर्म है, ये दोनों वर्ब्स हैं, और फॉलो भी फर्स्ट फॉर्म है. ड्यूरिंग द मुशरफ एरा, जब मुशरफ का दौर था, द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग टाइज विद इसराइल वॉज फ्लोटेड, देखा जा सकता था कि ये जो आइडिया है कि हमें ये जो अपने मामलात हैं इसराइल के साथ अच्छे करने चाहिए, ये वहाँ पर जाहिर हुआ था. वॉज फ्लोटेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है. एस्टैब्लिशिंग जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन एज अ नाउन चला गया क्योंकि ये जेरेंड है. विद द देन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग his Israeli counterpart in 2005, जब यानी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी इसराइल के साथ इन 2005 में. However, those plans were quickly shelved when the general sensed the public mood here was not ready to accept ties with Tel Aviv. लेकिन ये वाले जो उस वक्त के वो जो प्लान्स थे वो फौरन जो है उन पे स्टेप बैक ले लिया था और डिसाइड कर लिया गया था कि इनके ऊपर अमल नहीं करेंगे, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये महसूस किया, सेंस किया कि पब्लिक मूड जो है हेयर वो बिल्कुल इस तरह का नहीं है कि वो तेल अवीव के साथ अपने ताल्लुकात को कबूल करें. अब यहाँ पे वर शेल्व लिखा गया. अब शेल्व बेसिकली और कलर में इसलिए क्योंकि मैंने इसके साथ में इसके मीनिंग्स दे दिए. वैसे वर शेल्व्ड बेसिकली ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है. जनरल सेंस्ड जो है, सेंस्ड ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है और वॉज भी पास्ट के बारे में है. रेडी टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बेसिकली जो यहाँ पे वर्ब है. नाउ अगेन देयर इज़ डिबेट, अब एक फिर डिबेट हो रही है अबाउट हाउ टू प्रोसीड, कि अब कैसे चला जाए. प्रोसीड और इज़ जो दोनों हैं वर्ब्स हैं. देयर शुड बी अ थारो डिस्कशन, इसके ऊपर एक डिटेल में डिस्कशन होनी चाहिए ऑन द नेशनल लेवल के ऊपर, ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग टाइज विद इसराइल, के इसराइल के साथ मिलने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं. एस्टैब्लिशिंग, फिर वही बात आ गई है, जेरेंड है, शुड भी यहाँ पे वर्ब है.
However, a few ground realities must be kept in mind. ताहम जो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ना वो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए यानी आपको उनके ऊपर सोचना चाहिए. मस्ट बी केप्ट जो है यहाँ पे वर्ब है. एनी सच मूव इस तरह की कोई भी हरकत जो है शुड बी कंडीशनड ऑन इज़राइल. इज़राइल के ऊपर कंडीशन हो सकती है एंडिंग इट्स ब्रूटल ट्रीटमेंट के आपकी ये जो ज़ालिमाना ट्रीटमेंट है वो ख़त्म करें ऑफ द पैलस्टीनियंस पैलस्टीनियंस के ऊपर एंड मूविंग बैक टू द प्री 1967 बॉर्डर्स और वापस जो है आप 1967 के बॉर्डर्स पे पहुँचें. विदाउट सच एश्योरेंसेज इस किस्म की यकीन दहानियों के बगैर पाकिस्तान वुड ज्वाइन अदर्स इन रिवॉर्डिंग इज़राइल फॉर इट्स ब्लैटेंट डिसरिगार्डेड फॉर ह्यूमन राइट्स. अगर पाकिस्तान ज्वाइन करता है दूसरों को तो ये क्या होगा, ये बेसिकली आप रिवॉर्ड कर रहे होंगे कि बड़े ही बैड किस्म की बिहेवियर की इज़राइल को कि वो ह्यूमन राइट्स को डिसरिगार्ड करे. अब वुड ज्वाइन जो है यहाँ पर ये बेसिकली वर्ब है. मोर ओवर इफ़ इज़राइल इज़ एम्ब्रेस्ड बाय द मुस्लिम वर्ल्ड विदाउट अ जस्ट रेजोल्यूशन टू द पैलेस्टीन क्वेश्चन. अगर इज़राइल को कबूल कर लिया जाता है मुस्लिम वर्ल्ड से कबूल कर लिया जाता है और बगैर इस रेजोल्यूशन के जो पैलेस्टीन के ऊपर सवाल उठाया जाता है इज़ एम्ब्रेस्ड जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट का पैसिव है. द कश्मीर काज विल ऑल्सो सफ़र. तो कश्मीर काज जो है उसको भी इसके ऊपर नुकसान होगा या उसको भी इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी. विल सफ़र अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है. एज़ इंडिया विल बी फर्दर इम्बोल्डेंड टू क्रश द कश्मीरीज. तो क्या हो जाएगा, इंडिया और ज़्यादा उसको हौसला मिलेगा कि वो कश्मीरीज को क्रश कर सके, कश्मीरीज के ऊपर जुल्म डा सके. विल बी फर्दर एम्बोल्डेंड का मतलब हो जाएगा विल बी है ये फ्यूचर पैसिव हो जाएगा. पाकिस्तान मस्ट मेक अ डिसीजन. पाकिस्तान को ज़रूर एक डिसीजन लेना चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, एक डेमोक्रेटिक तरीके से, गाइडेड बाय इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट. जिसको क्या को क्या चीज़ गाइड कर रही हो, एक बड़ी अरसे से जो स्टैंडिंग सपोर्ट है फॉर द फंडामेंटल राइट ऑफ पैलेस्टीनियन, जो हमने पैलेस्टीनियन के हवाले से कई सालों से सोच रखी है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज डॉन एडिटोरियल. आज का क्वेश्चन ये है कि वट इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान वुड हैव टू फेस इफ़ अरब कंट्रीज़ आर गोइंग टू एक्सेप्ट इज़राइल. कि अगर इज़राइल जो है वो अरब कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो पाकिस्तान को क्या सफ़र करना पड़ेगा या पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात होंगे. कुछ स्टूडेंट्स ने मेंशन किया था कमेंट्स में कि उन्हें वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव वो हर चीज़ों को जो है डिटेल में किया जाए, लेकिन जो CSS स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम लोग थोड़ा डी ट्रैक हो जाते हैं, मतलब जब हम इसको एनालाइज़ कर रहे होते हैं, जब इसको सुन रहे होते हैं. तो मैंने ये डिसाइड किया आप में से जितने भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि आपको वर्ब एडवर्ब वो सारी चीज़ें जो हैं डिटेल में बताई जाएं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आज लिख दीजिएगा मैं, या कोई अपना ईमेल छोड़ दीजिएगा. आई इंशाल्लाह विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए इस पूरे का एक PDF जो है वो छोड़ दिया करूँगा. वहाँ पर आप उसको क्लिक कर लिया कीजिएगा, उसमें मैं कलर्स मैंशन कर दूँगा ताकि वो कलर्स आपको हेल्प करेंगे. उसमें A to Z हर चीज़ जो है वो डिफरेंट कलर के साथ मैंशन कर दी जाएगी. ठीक है जी, वोकैबुलरी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वर्ड इज़ स्पेक्यूलेशन यानी गेस वर्क, अंदाज़ा जो है. देर हैज़ बीन वाइड स्प्रेड स्पेक्यूलेशन दैट ही प्लान्स टू क्विट. रियलिम का मतलब इंटरेस्ट है. द रियलिम ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री विल बी फॉलोड बाई स्टूडेंट्स. इमिजरी का मतलब एम्बेसडर है. पाकिस्तान्स इमिजरी वॉज इन्वाइटेड इन द पार्टी. एम्बिगुअस का मतलब वेग्यू एंड क्लियर है. द इलेक्शन रिजल्ट वॉज एम्बिगुअस. शेल्फ का मतलब है कि किसी चीज़ को जो है प्रोसीड करने से रोक देना या फैसला करना कि उसे प्रोसीड ना किया जाए. प्लान्स टू री ओपन द स्कूल हैव बीन शेल्व्ड बिकॉज ऑफ COVID-19. ब्लैटेंट ऑफ बैड बिहेवियर कि किसी का रवैया बहुत ज़्यादा ख़राब होना. डिस्पाइट देयर ब्लैटेंट अट्रैक्शन टू ईच अदर दे ट्राई टू स्टे जस्ट फ्रेंड्स. इम्बोल्डेंड का मतलब इंकरेज हो जाएगा. इम्बोल्डेंड बाय द क्लैरेट ही प्रेस्ड हिज नी अगेंस्ट हर्स. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज डॉन एडिटोरियल. होप सो आपको ये वाला जो तरीका है ज़्यादा अच्छा लगा होगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. जितनी भी आपकी सजेशन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताया करें ताकि मैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूँ. सी यू टुमारो इंशाल्लाह. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज़ लाइक माई वीडियोज़. अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़.